गुड मॉर्निंग मैडम, आप यहाँ पर? हाँ, मैं यही हूँ। और तुम मुझे देख रहे हो, ये भी एकदम सच है। जग्गी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल जी नहीं सकती। मैं बहुत जिद्दी लड़की हूँ, मुझे जो चाहिए होता है वो मैं लेकर ही रहती हूँ, क्योंकि मैं धनंजय की बेटी हूँ। मेरी जिद के आगे पापा को झुकना ही पड़ेगा। मैडम, आप अपने गुस्से को, अपने जिद को मेरे ऊपर क्यों जाहिर कर रही हैं? आप दिमाग वाली हैं, आप पढ़ी लिखी हैं। मैं इस दुनिया को बहुत अच्छे से जानता हूँ। आप जैसे लोगों को मेरे जैसे इंसान के पीछे पड़कर अपना सुंदर सा जीवन खराब नहीं करना चाहिए। तुम अब कुछ भी कहो, मैं जरा भी पीछे हटने वाली नहीं हूँ। मैं यहाँ बहुत सोच समझ कर आई हूँ, समझे तुम? और हाँ, मुझे अपनाने के लिए तुम्हें किस चीज का डर है? पैसों का डर है या पापा का डर है, बताओ मुझे। एक लड़की होकर मैं इतनी हिम्मत दिखा सकती हूँ, तो एक लड़के होकर तुम क्यों नहीं कर सकते? जब भी तुम मेरे साथ होती तब लफड़ा होता है। चलो मेरे साथ। जग्गी, हम इसे पकड़ लेंगे, तुम भागो। जग्गी भाई, क्या कहा? बच गया वो? उसे खत्म करके मेरी बेटी को घर लेकर आओ। जग्गी, तुम मुझे घर क्यों लेकर आ गए? अरे 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 जग्गी, आई सेड स्टॉप। जग्गी, ये क्या है? तुम पागल हो गए हो क्या? मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हो? बकवास बंद करो, चलो। मुझे नहीं जाना है। चलो। जग्गी, जग्गी मुझे नहीं जाना है। सहना, तुम्हें समझ नहीं आता ना? बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या? हमें नीचा दिखाने का काम क्यों कर रही हो? चलो। मम्मी, मेरी बात सुनिए, मुझे जीना भी इसके साथ है और मरना भी। अपना मुंह बंद रखो। एए, ये तुम क्या कर रही हो? मेरी बेटी के ऊपर हाथ उठाया तुमने? एए, इसके पैदा होने के बाद ही मुझे ये शानो शौकत मिला, याद है ना?
इस घर की लक्ष्मी है ये। मेरी बात सुनो बेटी। बेटी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अरे तुम मेरी बेटी हो, तुमसे गलती नहीं हो सकती। इन सब गलतियों का कारण ये है। तू मेरे घर में अंधेरा करना चाहता है, ये मेरे घर की रोशनी है और तू उसे बुझाना चाहता है। सर एक मिनट के लिए मेरी बात तो सुन लीजिए। अगर आपकी बेटी को लेकर जाना रहता तो क्या लगता है आपको मुझे कितना वक्त लगता? सिर्फ 5 मिनट, उससे ज्यादा नहीं। मुझे उसके प्यार से ज्यादा आपके ऊपर बहुत गर्व है सर। सुनिए, दुनिया में कितने माँ बाप को अपने बच्चों के साथ समय बिताने का टाइम ही नहीं मिलता है। ऐसे समय में तुम्हारे माँ बाप तुम्हें अपनी जान मानते हैं। सहाना, मेरे माँ बाप मेरे भाई बहन कोई नहीं है, लेकिन रिश्तों की अहमियत क्या है ये मुझे पता है। और मुझे वो प्यार भी आज तक कभी नहीं मिला। और जन्म देने वाली मेरी जो माँ है, मैंने उनकी शक्ल भी कभी नहीं देखी। अगर तुम्हारे जैसे लोग घर के बाहर पैर भी रख दें तो मेरे जैसे 100 मिल जाएंगे। न जाने कितने लोग तुम्हें चाहेंगे, लेकिन तुम्हारे ऊपर भरोसा करके इतना बड़ा करोड़ों का महल बनाकर लाखों सपने सजाए हुए ऐसे जिंदा भगवान के प्यार को छोड़कर जाओगी तो ऐसा प्यार तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। इस दुनिया में पहला प्यार माँ बाप का ही होता है। भगवान के लिए मैं हाथ जोड़ता हूं, उस प्यार को तुम गवाओ मत। अगर तुम इनके प्यार को छोड़कर इस तरह से चली जाओगी तो ये अनाथ हो जाएंगे। प्यार है करके पुराने संबंधों को छोड़ा नहीं जा सकता, उन्हें संभाल कर रखना चाहिए। सर, मैंने आज तक आपके सामने खड़े होकर कभी बात नहीं की, लेकिन आज इस वजह से मुझे मजबूरी में करना पड़ा। भगवान के लिए मुझे माफ कर दीजिए सर। जग्गी, मम्मी, जग्गी, चलो प्लीज मम्मी रोक लीजिए उसे। जब विधानसभा में था तो मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलकर सभी का सरदार बनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसके लिए गवाह कहां से लाओगे? और अगर कोई गवाह मिल भी गया तो उन्हें बताने के लिए तुम जिंदा रहोगे तब ना? प्लीज धनंजय, मैंने ये बताकर बहुत बड़ी गलती कर दी। प्लीज धनंजय, मुझे छोड़ दो, भगवान के लिए छोड़ दो। सर, फोन है सर, अर्जेंट है सर। धनंजय, तुम्हारी किस्मत और तुम्हारी जिंदगी मेरे हाथों में थी, लेकिन मेरी बेटी ने फोन करके मेरे गुस्से को शांत कर दिया। आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, इसीलिए मैं तुम्हें जिंदगी का गिफ्ट दे रहा हूँ और तुम्हें जीवित छोड़ रहा हूँ। जाओ जी लो जिंदगी, लेकिन अगली बार मेरी आंखों के सामने नजर आए तो तुम्हें ha 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 ha
बहुत दिनों से मौन व्रत रखे हुए थी, आज ये कोयल दिल से गा रही है, अच्छा है। ये आपका आशीर्वाद है गुरुजी। तुम्हारा ये मधुर गीत गाने से इस संगीत क्लास में उजाला सा हो गया बेटी। यहीं कहीं से मुझे एक मधुर आवाज सुनाई दी, मैं अपने आप में खो गई और गाते हुए नाचने लगी। इतनी मधुर आवाज। सुन रही हो ना, हम जो सुन रहे हैं वही रोज टूटने फूटने और तोड़ने फूलने की आवाज, लेकिन संगीत ही वो एकमात्र ऐसा साधन है जो तुम्हारे कानों को सुकून देता है ना? हे प्रभु। दीदी फोन। हेलो। हाँ पापा, बस 5 मिनट, मैं आ रही हूँ। गुरुजी आज मेरा जन्मदिन है, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। हमेशा खुश रहो और संगीत की देवी सरस्वती हमेशा तुम्हारा साथ दे, तुम्हारा भला हो। चलती हूँ गुरुजी। ठीक है। हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक। पागल पापा को देखो तो असेंबली में गरज कर सबको हिला के रख देता है, और बेटी को देखो अपनी मधुर आवाज से सबको लुभा लेती है। इसका एक ही कारण है, इन दोनों के बीच का अपार प्रेम। लेकिन इन बाप बेटी के प्यार के बीच में जो आएगा वो तीसरा कैसा होगा, वो कहाँ होगा और वो इस समय क्या कर रहा होगा, कौन जाने। क्या तुम्हें दिखता नहीं है, अंधे हो गए हो क्या? कैसा दिखता होगा वो? तुमने मेरी गाड़ी गिरा दी, उठाओ गाड़ी, चल। रुक जाओ, अगर ये बात मेरी जग्गी को पता चलेगी ना तो वो तेरे हाथ पैर तोड़ देगा। अच्छा? हे भगवान, कौन है ये जग्गी? बुलाओ उसको, क्या खुद को दादा समझता है? जा बुला, देखता हूँ उसे। भगवान अब तो ही उन्हें बचाना। जग्गी। पहले उन लोग को देखो जाके। हाँ, हाँ, चलो, आप ठीक तो है ना? चाचा, तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए, तो तुम्हें रेस्ट करना चाहिए था। आज अपने गैरेज पर एक भी लड़का नहीं आपको बचाने के लिए। अरे जाने दो, आज छुट्टी है ना, फालतू में उसे क्यों परेशान करोगे? लेकिन तुम्हें इतना अर्जेंट क्या था? बेटा, उस मिनिस्टर की गाड़ी को आज ही अर्जेंट डिलीवरी देनी है। देखो, उस कार को रिपेयर करके डिलीवरी करने की जिम्मेदारी मेरी है, तुम जाकर आराम करो। ज्योति जल्दी आओ, साहब आ गए। कृपा है, कम से कम आज तो आ गए। कहाँ आप, आपकी पॉलिटिक्स, जनरल मीटिंग, पार्लियामेंट, असेंबली मीटिंग है, मुझे तो लगा आज भी आप भूल ही जाएंगे। ये आरती उस पत्थर के भगवान के लिए है, इस धनंजय के लिए नहीं है।
ये लो, इसे वहां रख दो। मम्मी, सहाना, सुनिए, छोटी मेरे पीछे है, आपको कैसे पता चला? ए, ये मेरी जान है, तो मुझे नहीं पता चलेगा। हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू पापा। पापा, मेरा बर्थडे गिफ्ट कहाँ है? अरे लेकर आया हूँ बेटा। तुम फ्रेश होकर आ जाओ, पार्टी में मैं तुम्हें डबल गिफ्ट दूंगा। डबल गिफ्ट? वो क्यों भला? एक जो तुम्हें पसंद है और दूसरा सरप्राइज गिफ्ट है और मुझे पसंद है। सरप्राइज? पापा मुझे अभी दो ना प्लीज पापा। पहले जाकर तैयार हो जाओ, फिर बताता हूँ। ठीक है। ओके। माय डियर फ्रेंड्स, ये मेरी इकलौती बेटी है। सहाना के जन्मदिन पर आने वाले सभी दोस्तों को बहुत 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 धन्यवाद। Happy returns of the day. Thank you so much, Papa. ये तुम्हारी पसंद का गिफ्ट। Wow, thank you so much. Unbelievable. You are welcome. Thank you so much, Mummy. This is your first gift. Papa, मेरा पहला गिफ्ट तो मुझे मिल गया, लेकिन वो दूसरा सरप्राइज गिफ्ट जो आपने कहा था वो कहाँ है? बताता हूँ दोस्तों, आज शाम को मेरे स्टार होटल में सेवन हिल्स के चेयरमैन का बेटा रंजीत कुमार और मेरी बेटी की एंगेजमेंट है। और पापा, सरप्राइज कैसा लगा बेटा? सर एक मिनट रुको। अच्छा मैं आता हूँ बेटा, एंजॉय योरसेल्फ। कांग्रेट्स। मम्मी क्या है ये सब? मुझे अभी शादी नहीं करनी है, लाइफ में मुझे काफी कुछ अचीव करना है, प्लीज पापा को समझाइए ना। मैं इसमें क्या बोल सकती हूँ, तुम्हारे पापा सरप्राइज गिफ्ट देंगे या शॉकिंग न्यूज मुझे पता नहीं था। कैसे भी करके ये एंगेजमेंट रुकवा दो ना प्लीज मम्मी। क्या कहा? नहीं नहीं, देखो तुम्हारे पापा ने डिसाइड कर लिया, बात खत्म हो गई। वो जो भी करते हैं सब सोच समझ के ही करते हैं, और उनसे मैं तुम्हारे लिए बात करूं या फिर उन्हें कन्वेंस करूं ये मुझसे नहीं होगा। मम्मी प्लीज, मम्मी प्लीज एक बार हेल्प कर दो। तुम्हारे पापा ने जो एक बार बोल दिया वही होगा। ऐश्वर्या। हाँ आ रही हूँ। क्या हुआ? सर ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो जो मैडम के लिए कार ली थी ना, वो उसके लिए कितना भी ढूंढने पे ड्राइवर ही नहीं मिल रहा। आखिर मैंने तुम्हें किस काम के लिए रखा है? शाम को सहाना के एंगेजमेंट तक ड्राइवर आ जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो एंगेजमेंट कैंसिल कर सकता हूँ। चलो जाओ। हाँ बोलो सर। इस कार को अच्छे से जानने के लिए पूरा एक हफ्ता चाहिए। आज ही चलाने बोलोगे तो कैसे चला पाऊंगा? किसी अच्छे काम के लिए जाना होगा और कुछ गड़बड़ हो गई तो। हाँ? इसका मतलब क्या तुमने कुछ नहीं समझा? नहीं समझा सर। हे परम पिता परमेश्वर, श्री राम जी, हे बजरंगबली, ये आपने किसे भेज दिया? ऐसा लगता है जैसे पहले बकरी चलाता था और आज यहाँ कार चलाने आ गया। ऐसा कैसे चलेगा? हेलो, वहाँ भी ड्राइवर नहीं मिल रहा है क्या? हे भगवान प्लीज, इन्हें एक भी ड्राइवर ना मिले, प्लीज 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 भगवान।
नमस्कार। नमस्कार, कैसे हो? मैं अच्छा सर, गाड़ी रेडी हो गई है, आप ड्राइव करके देख लीजिए। वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा गैरेज कैसे चल रहा है? बढ़िया चल रहा है सर। हाँ, वेरी गुड। मैनेजर साहब, ये जग्गी इस कार को चला सकता है क्या, जरा पूछ के देखिए ना। जग्गी, क्या ये कार तुम चला सकते हो? सर, मैं गैरेज वाला हूँ, कोई भी कार चला सकता हूँ सर। मैनेजर साहब, इन्हें ये कार चलाने के लिए बोल दीजिए, मेरी नौकरी बच जाएगी। मेरी नौकरी बचाने का और कोई दूसरा चारा नहीं है। थोड़े दिन के लिए इसे बोल दीजिए कि ये कार चला ले। ठीक है, जग्गी, क्या एक दो दिन के लिए ये कार तुम चला सकते हो? सर, मैं आज थोड़ा सा बिजी हूँ। और ऐसे ही नहीं, मैं तुम्हें उसके पैसे दिला दूंगा। ठीक है सर, मैं आपके कहने पर आ जाऊंगा। सर, बहुत कन्विंस करके एक दो दिनों के लिए इस ड्राइवर को लेके आया हूँ सर। कौन है वो? यही है सर, ये है। नमस्कार सर। ये कहाँ से आया है? मेरी बेटी को कार में लेकर जाने वाले का भी स्टेटस होना चाहिए। एक काम करो, इसे अच्छी तरह से तैयार करो, नहीं तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। जाओ। ठीक है सर। क्या पागल आदमी है तुम? अरे बाबा जग्गी, तुम्हारे बस कपड़े चेंज हुए हैं, किस्मत नहीं चेंज हुई है। दो दिन के बाद तुम्हें वापस गैरेज ही चले जाना है, यहाँ पर नहीं रहना है। चलो, मैडम रेडी हो गई हैं, गाड़ी लेकर जाओ। हेलो, बोलो। क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? ऐसा कुछ नहीं है, आज मेरी एंगेजमेंट फिक्स हुई है ना, इसलिए। अच्छा, तो कांग्रेचुलेशंस। कांग्रेट्स उसी को बोला जाता है जिसकी मर्जी से एंगेजमेंट हो रही हो, मेरी नहीं हो रही है। मैंने भगवान से कितनी मन्नतें मांगी कि इसे कैंसिल कर दे। एक अच्छी सी अपॉर्चुनिटी भी मिली थी, पर पता नहीं ये ड्राइवर अचानक कहाँ से आ गया। क्यों, कौन है वो? हे, क्या हो गया, वो स्मार्ट नहीं है क्या? हे चीची, ऐसा कुछ भी नहीं है। दिखने में एकदम लोकल थर्ड क्लास जैसा लग रहा है, और जो कुछ भी हो रहा है सब इसकी वजह से हो रहा है। लग रहा है सर फोड़ दूँ। हे, तुम देखकर नहीं चला सकते क्या? गाड़ी तुम्हारे बाप की है। छे, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, गलती उसकी है जिसने तुम्हें बुलाया है। पापा को बोलकर उसकी पिटाई करवाती हूँ। हे, क्या कह रही हो, हुआ क्या है? हेलो, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। गधा कहीं का, पता नहीं कहां से आ गया, एक नंबर का थर्ड क्लास। hey! खड़े क्यों हो? लगेज निकाल कर लाओ। अपन का टाइम इज खराब है। वाओ, क्या लड़का है। वाओ, ये कौन है, कितना स्मार्ट लग रहा है। इसकी कार तो देखो कितनी अच्छी है। ये तो कोई बहुत अमीर लगता है। हाँ त्रिशा, ये मिल जाए तो लाइफ सेट। ये कौन है ये तो पता करना ही पड़ेगा। मैनी मोर हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे सहना। थैंक यू। सच कहूँ सहना, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। अगर आज तुम्हें स्वर्ग की अप्सराएं भी देखेंगी तो शर्मा जाएंगी। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। मेरा बर्थडे तुम्हें याद है? सहना, तुम जानती हो मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, तो मैं इतना स्पेशल डे कैसे भूल सकता हूँ। आई लव यू सहना। हमारे एमएलए साहब चक्रवर्ती सर और धनंजय सर, आप दोनों बचपन से दोस्त हो, मैं उस समय से आपको देखता आ रहा हूँ। आपकी ये गहरी दोस्ती अब रिश्तेदारी में बदल रही है, इसकी मुझे बहुत बहुत खुशी है। धनंजय की बेटी का मेरी घर की बहू बनना
मतलब मैंने बहुत पुण्य काम किए होंगे। उसे बहू की तरह मत समझिए, उसे बेटी की तरह समझेंगे, मुझे भरोसा है। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मेरी बेटी मेरी जान है, उसकी शादी मैं किसी अनजान घर में कैसे कर सकता हूँ। अरे तुम तो मेरे करीबी दोस्त हो, मैंने तुम्हारे बेटे को अपनी आंखों के सामने बड़े होते देखा है, इसीलिए मुझे भरोसा है कि तुम मेरी बेटी को मुझसे ज्यादा अच्छी तरह से रखोगे। हाय। एक्सक्यूज मी। यस। कौन है वो? वो हमारे एमडी है। ओह वाओ। वो इस होटल के बॉस हैं, इसी तरह के कई होटल्स के मालिक हैं। एक्सक्यूज मी। त्रिशा, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसे कैसे भी पटा के मैं अपने लाइफ में सेटल हो जाना चाहती हूँ। लेट्स गो। ये एंगेजमेंट कैंसिल करना चाहती हूँ, लेकिन वो मेरी बहुत केयर करता है, लेकिन मैं उसे कैसे अवॉइड करूँ, कैसे करूँ, कैसे? साहना, हाँ? तुम्हें पता है साहना, जब तुम छोटी बच्ची थी ना, तो बहुत ज्यादा जिद किया करती थी। उसके बाद मैं अमेरिका में सेटल हो गया। रिसेंटली मैंने तुम्हारी फोटो देखी, तभी मैंने सोच लिया कि मैं तुमसे मिलूंगा और तुमसे बात करूंगा। अब तुम्हें सामने देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। सच कहूं तो उस खुशी के बारे में तुम्हें बता नहीं सकता। साहना। ड्राइवर हो, गाड़ी में बैठो। यहाँ क्या काम है तुम्हारा? मैं इसे देखना नहीं चाहती, फिर भी बार बार सामने आ रहा है। मेरी बात समझ नहीं आ रही क्या? अपनी गंदी शक्ल दोबारा मत दिखाना, जाओ यहाँ से। आते जाते मुझ पर ही भड़कती रहती है। दीदी तुम ऐसे क्यों डांट रही हो? तुम उसके बारे में बात मत करो, मैं उसे देखना नहीं चाहती। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? हे, मैंने तुम्हें बताया था ना, क्लास में मैंने एक धुन सुनी थी, वही धुन मैंने यहाँ पर सुनी। आखिर कौन बजा रहा था वो धुन? वही सुनकर मैं यहाँ पर आई और इतने में ये थर्ड क्लास दिख गया, सारा मूड ही खराब हो गया। ए सहना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारे पापा तुम्हें सब जगह ढूंढ रहे हैं। वो मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है आंटी, जो फ्रेंड लोग आ रहे हैं उन्हें वेलकम करने के लिए आई है बस। ठीक है चलो, पापा बुला रहे हैं। क्या हुआ पुजारी जी, सब रेडी है ना? हाँ सब रेडी। स्माइल करो। कुछ परेशानी है क्या पुजारी जी? यजमान जी, ये एंगेजमेंट दिन तारीख नक्षत्र देखकर ही फिक्स किया है ना? नहीं, सब कुछ अचानक से हो गया। क्या बात है, कुछ प्रॉब्लम है क्या? यजमान जी, बात ये है कि इस शुभ कार्य के लिए ये दिन उचित नहीं है। जो भी हो खुलकर बताइए पुजारी जी। देखिए, जिंदा रहने के लिए सांसों की जरूरत होती है। अरे निडर होकर बोलिए। इस अशुभ मुहूर्त में कोई शुभ कार्य करेंगे तो आपकी बेटी के प्राण संकट में होंगे। मेरी बेटी की जान को खतरा हो सकता है, ऐसा है तो एंगेजमेंट नहीं करेंगे, कैंसिल कर दीजिए। थैंक्स भगवान, आपने एंगेजमेंट रोक ही दी, थैंक यू सो मच। देखिए आने वाले दिनों में कोई अच्छा सा मुहूर्त है?
किया कि नहीं। हाँ हाँ, अगले महीने में एक शुभ मुहूर्त है। तो उसी मुहूर्त को फिक्स कीजिए, शादी भी साथ में ही कर देंगे। चक्रवर्ती जी, आप क्या बोलते हो? जो होता है अच्छे के लिए होता है, ठीक है? हाँ, बिल्कुल जैसा सही आप कहेंगे वैसा ही होगा। सर, चक्की का काम अब हो गया है, क्या हम उसे जाने दें? बताओ, क्यों किया तुमने ऐसा? मैंने क्या किया है? मैंने तुम्हें क्यों मारा तुम्हें पता नहीं? देखो, मुझे सब कुछ पता चल गया है। तुमने उस पुजारी को बोलकर सगाई रुकवाई थी ना, अब मैंने उसी पुजारी से अगले महीने शादी के लिए डेट फिक्स करवा दी है। देख लिया ना तुमने डर का मतलब क्या होता है? हाँ, अब बताओ एंगेजमेंट क्यों रुकवाई तुमने? हाँ, तुम्हें किसने बोला था ये सब करने के लिए? बोलो बोलो। तुम्हारी बेटी ने बोला था। साहना, साहना, पापा, अब इसके सामने बोलो। इसने ही बोला था मेरे को। क्या तुमने बोला था? नहीं पापा, मैंने इसे कुछ नहीं कहा। ये एक नंबर का थर्ड क्लास है। इसने मुझे गाली दी थी। थर्ड क्लास बोला अपन को, अपन को थर्ड क्लास बोला, इसलिए अपन ने इसके एंगेजमेंट रुकवा दी। एक थर्ड क्लास आदमी जब मन बना लेता है तो क्या कर सकता है ये बता। चलो निकलो। रुक जाओ। तुझे आश्चर्य हो रहा है ना? मारने के साथ तुझे पैसे भी दे रहा हूं, मारा एंगेजमेंट रोकने के लिए, और पैसे इसलिए दे रहा हूं एंगेजमेंट को शादी तक लेकर जाने के लिए। आज के बाद मेरी आंखों के सामने नहीं आना। गेट आउट। चल चल, निकल जाओ। नमस्कार पुजारी जी। हाँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। देखिए, अभी हम थोड़ी जल्दी में हैं, कोई हमारा रास्ता देख रहा है। आओ भाई, चलो। मुहूर्त के लिए अभी थोड़ा टाइम बाकी है, मेरी बात तो सुनिए। अरे हमें देर हो रही है, आओ चलो। मुझे कुछ जरूरी बात करनी है, रुक जा जरा, मैं बात करके आता हूँ। अच्छा, जो भी कहना है जल्दी करो। देखिए, आपको आज पुजारी जी, मैंने आपको क्या बोला ध्यान में? सब समझ गया, संभल कर। ये तो ऐसे नहा रहा है जैसे तीसरी क्लास में पढ़ने वाला कोई छोटा बच्चा हो। क्यों खान, ठीक ठाक हो ना? जा जा जा, जाके देख ले। ऐसे नहा रहा है ना जैसे छोटा बच्चा नहाता है। कह रहा है ये? क्या बोल रहा हूँ मैं? जग्गी। खान, तूने कहा कि वहाँ कोई छोटा बच्चा नहा रहा है, लेकिन वो तो आज और अब्राहम का पोज दे रहा है। ओह माय गॉड, माय गॉड। ए, क्या बात है बासु, फटे हुए हॉर्न की जैसे क्यों बज रहा है बे? वो क्या है ना, इसने तुम्हें चाचा देख ले, इसकी हालत खराब है। चाचा, अभी बात कराता हूँ। ये ले, तुम्हारे चाचा। क्या बोल रहे हैं? अरे बात तो कर, कुछ अर्जेंट है। अरे हेलो खान, इसकी शक्ल ऐसे क्यों लग रही है, डरावनी? वो बात ये, किसने जग्गी का पूरा दर्शन कर लिया, इसलिए इसका मुंह लटका हुआ है। ऐसी बात नहीं है, मैं एकदम नॉर्मल हूँ। ओ गुरुजी। ए बासु, एकदम सीरियसली बोल रहा हूँ, अभी जाओ और किसी गुंडे की तरह अपना मुंह किसी कपड़े से ढक लो। अगर रात को कोई चुड़ैल तुम्हें देखकर आएगी ना, रा 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 ऐसे नाच कर, तो समझ लेना मैं तुम्हारी खटिया खड़ी कर दूंगा। फिर अगर तुम्हारा मुंह दिखा तो 120 किलो का मेरा पैर तुम्हारे मुंह पे रख दूंगा। ए बासु, क्या कर रहा है? गाड़ी रेडी होगी क्या? रेडी है, रेडी है। तू भी ना कसम से। ए खान, एक ही गाड़ी में गैस और पेट्रोल दोनों का क्या काम? वो तुम्हारे पास गैस है ना? है ना, पेट्रोल भी है ना? हाँ वो भी है ना। उस गैस के अंदर पेट्रोल डाल के उसमें आग लगा के अपने पिछवाड़े पे रखो।
लास्ट हुआ है? अरे ये मोटू सब तोड़ फोड़ के चला गया। मैं बहुत थक गई हूँ, जल्दी ठीक करवाइए ना। अरे भाई इधर आओ, इधर इधर आओ, यहाँ यहाँ यहाँ, अरे आ जाओ आ जाओ। क्या हुआ भाई, क्या बात है? ये स्टार्ट ही नहीं हो रही भाई। सब तो अच्छा है फिर भी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही? अच्छा ये बताइए गाड़ी नई है या पुरानी? ओ गए हफ्ते ही तो गाड़ी ली है। ओ अच्छा तो नई है, तो फिर गाड़ी को अच्छे से दौड़ाए नहीं हो? दौड़ाने की कोशिश तो कर रहा हूँ लेकिन दौड़ ही नहीं रही है। सर टाइम टाइम से बराबर सर्विसिंग करवाते रहिए सर, गाड़ी टकाटक दौड़ेगी। मेरे पास सर्विस कराने का टाइम कहाँ है? सुनिए जी बातचीत कम कीजिए, गाड़ी ठीक कराइए। मैडम मैं गाड़ी ही देख रहा हूँ, गाड़ी पे एक बार मेरा हाथ लग जाए ना तो चाहे कितनी भी खटारा गाड़ी क्यों ना हो घोड़े की तरह दौड़ने लगती है, दौड़ने लगती हूँ। ठीक है भाई जल्दी से रिपेयर कर दो। टेंशन मत लो साहब, अब मैं आ गया हूँ ना, एक बार इसे ठीक से देख लूं फिर सब कुछ ठीक कर दूंगा। ये गाड़ी मेरी होती तो मैं बराबर मेंटेन करता। ए, मुझे ये गाड़ी बेचनी नहीं है। मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, आप रखो मेंटेन मैं करूंगा। तुमने कहा ना मैं मेंटेन करता रहूंगा। सर आप गलत मत समझिए, बीच बीच में आके सर्विसिंग करता रहूंगा। अगर ऐसी बात है तो जब चाहे आके सर्विस कर देना। अब देखिएगा सर गाड़ी कितनी स्पीड में दौड़ेगी। कितना हुआ? 100 रुपीज। थैंक यू सर। बैठ जाओ। साहब अगली बार गाड़ी में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे फोन कर दीजिएगा, घर पे आके ऑयल चेंज करके जाऊंगा। अच्छी कोई खास बात है क्या जो तुम सभी लोग साथ में आए? नमस्कार सर। हाँ सर आपने जो हमारे गांव में सामुदायिक भवन बनाया है उसके अंदर 101 शादियां करवाने का हमने सोचा है, तो वहाँ आप आकर उन्हें आशीर्वाद देंगे तो हमें अच्छा लगेगा। हम इसीलिए आए हैं सर। तुम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मैं जरूर आऊंगा। ठीक है सर, हम चलते हैं। Sorry, yeah. I'm really sorry. आखिर बात क्या है? उसे देखो वो सॉरी बोलकर चला गया यहाँ से और तुम यहाँ पर मुस्कुराते हुए खड़ी हो, तुम्हें हो क्या गया है? मुझे कुछ नहीं हुआ। तुम्हें कहीं चोट लगी है क्या? कहाँ पर? यहाँ पर। वो कौन है पता नहीं है क्या? कौन है वो? वही जिसे हम लोग उस दिन पार्टी में मिले थे। अच्छा वो बड़ी गाड़ी वाला? हाँ वही। ये देखो उसका बंगला कितना बड़ा है ना, अभी तक उसने मुझे 2 बार सॉरी बोल दिया पता है तुम्हें, इसीलिए तुम्हें उसे छोड़ना नहीं चाहिए था। ये सब देखने से तुम्हें कैसा लग रहा है? मुझे ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे लेकिन मेरे समझ में तो आ रहा है ना, शॉर्टकट से इस घर की बहू मैं ही बनूंगी देख लेना तुम। मतलब? यस आई एम फॉल इन लव। पसारी पमा गरी सग सगा मा,
ऐसी आवाज में क्या खाक रिहर्सल करेंगे? इन्हें किसी तरह यहाँ से दूर भेजना पड़ेगा, नहीं तो हमें कहीं यहाँ से दूर जाना पड़ेगा। नालायक क्या जाने कस्तूरी की गंध क्या होती है और इन्हें क्या पता संगीत क्या होता है। सहाना, तुम्हें क्या हुआ? तुम कहाँ जा रही हो? एक मिनट गुरुजी, मैं जाके उनसे बात करती हूँ। अरे जाने दो बेटी, वो सब जरा नादान छोकरे हैं। रहने दीजिए गुरुजी, मैं देख लूंगी। इन गाड़ियों को ठीक करने के बजाय तुम यहाँ बैठ के तबला बजाए जा रहे हो। इन सारी गाड़ियों की शाम तक डिलीवरी करनी है भाई। ए, मैं अच्छे मूड में बजा रहा था, सब खराब कर दिया तूने। ओ मेरे राजा, ओ मेरे भगवान, तुम्हारा काम देखकर मैं यहाँ काम सीखने आया था, लेकिन तुम ऐसे बजाते रहोगे तो वो सेठ देखेगा और चाचा को फोन करके कंप्लेंट करेगा, और फिर चाचा यहाँ पर आकर हमें इस ढोल की तरह पीटेगा, मारेगा और हमें ऐसे ही बजाएगा। हेलो, खाली एक ही कार है ना? चलो ठीक है, मैं चलने को रेडी। मुझे ऑयल चेंज करने के लिए फोन आया है, मैं जाके ऑयल चेंज करके आता हूँ। हेलो आंटी, शटर खोल के रखो, मैं तुरंत आया। अरे बाप रे, यही सब सुनने के लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ क्या? क्या रे, कब से बोला था ऑयल चेंज करके आता हूँ, ऑयल चेंज करके आता हूँ। कार का करेगा कि लॉरी का करेगा? दोनों का भी नहीं, वो आंटी का करेंगे। आंटी का? अरे सुन तो, अपना काम कर। नॉनसेंस, आंटी के गाड़ी का बोल रहा था मैं, ब्लडी फूल। आंटी मिस हो गई, छोटा हाथी। आखिर कौन बजा रहा था ये धुन? हेलो, यहाँ का ओनर कौन है? यहाँ का ओनर, टीचर, मैकेनिक, सब कुछ मैं ही हूँ। बताइए आपको क्या चाहिए? हड्डियाँ तोड़ कर रख दूंगा अगर फिर से कमर मटकाई तो। ओह, तो तुम हो? नमस्कार मैडम। तुम्हें जरा भी कॉमन सेंस नहीं है क्या? लोगों को बिना डिस्टर्ब किए काम नहीं कर सकते क्या? मैंने कब डिस्टर्ब किया जी आपको? हम तुम्हारी वजह से संगीत नहीं सीख पा रहे हैं। अच्छा तो उस गुरुजी ने भेजा तुम्हें? वो गुरुजी हमेशा सारंगी बजाते रहते हैं, कभी एक दिन भी हमने संगीत को नहीं सुनाया। संगीत का सा भी तुम्हें नहीं आता होगा, इसीलिए तो मेरे पापा ने जो भी किया तुम्हारे साथ बिल्कुल सही किया। अच्छा तो मैंने जो तुम्हारी मदद की उसके लिए बोल रही हो तुम? क्या कहा, तुमने मेरी मदद की थी? उस टाइम पर अपने फोन पर बात कर रही थी ना तुम, तो थोड़ा धीरे बोलकर बात करनी चाहिए ना तुम्हें। फोन पर अपने फ्रेंड के सामने गाली दी ना, वो तुम्हारी क्या इंटेंशन थी मैं समझ गया था। तुम्हें वो एंगेजमेंट नहीं करने का था, इसलिए मैंने सामने से बोलकर उसे कैंसिल करवा दिया और कुछ नहीं। सच में थैंक यू। कोई आया लगता है? सर आ रहा हूँ, एक मिनट। ए, बुला रहे उसे। ए, भैया बुला रहे, आना इधर। वहाँ नहीं, यहाँ। ए, तुझे बुला रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा, आ इधर। अरे बाप रे, लगता है आज मेरा भुर्ता बन जाएगा। बचाओ भगवान। ए, इसने कहा ना कि आ रहा है, तो मारा क्यों? आया क्यों नहीं? ए, उसे मारने पे तुझे तकलीफ हो रही है क्या? मेरी बात सुन, हट। देखिए सर, क्या बे, लड़की के सामने हीरो बन रहा है, तोड़ दूंगा। ए, क्या बोल रहे हो तुम? जबान संभाल कर बात करो। Oh,
रुकना, किधर भाग रहा है? अगली बार आओगे तो टांगे तोड़ दूंगा। चलो भागो यहाँ से। इन सबको तुमने मार दिया, लेकिन जब मेरे पापा ने तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया तब तुमने उन्हें कुछ नहीं कहा। तो बाद में देख लूंगा, याद रखना। उस टाइम पर गलती अपुन की थी इसलिए साइलेंट हो गया था, पर इस बार गलती इनकी थी इसलिए थोड़ा वायलेंट हो गया था। क्या बेटी, तुम भी, मैंने तुम्हें यहाँ आने के लिए मना किया था ना, अब तो देख लिया ना। चलो बेटी, ये जगह हम जैसे शरीफों की नहीं है, आओ। क्या गुरुजी, वहाँ गाना गाने की बजाय आप यहाँ पे आके सुख निकाल रहे? सुन लिया, ये लोग किस तरह की बातें करते हैं सुना? ये लोग कहीं से भी आकर यहाँ गुंडागर्दी करते रहते हैं। इन बंदरों के बीच हमारा काम नहीं है, चलो यहाँ से। ठीक है गुरुजी, जल्दी लेकर जाइए। आपका मुंह देखकर मुझे भी बेसुरे गाने गाने का मन कर रहा है। ए, अपनी जुबान बंद रखो तुम। आओ बेटी। वैसे गाने बजाने के लिए कौन से न्यूज चैनल पर आते हो, वो तो बताओ, हम भी तो देखें। अरे क्यों चिपका जा रहा है, जरा बाजू हट, मैं तेरी गर्लफ्रेंड हूँ। बहुत अच्छी डिजाइंस हैं, कैसा लगा आपको? अच्छा है। ये देखिए, ये डिजाइन कैसी है? अरे ये तो बहुत अच्छी है। ये डिजाइन आपने ही बनाई है या कहीं बाहर से मंगवाई है? वहाँ रख दो। हाँ मैडम, जैसा सर ने कहा था उसी तरह से इन गहनों की हमने खास तरह से डिजाइन बनाई है। ये लेटेस्ट डिजाइन है और कहीं भी नहीं मिलेगी, शहर के किसी भी शॉप में नहीं। ये बहुत ही रेयर पीस है मैडम। मिस्टर शेरवानंद, अरे भाई इसीलिए तो मैंने अपनी बेटी के गहनों की जिम्मेदारी आपको सौंपी है। हाँ सर, आप अपनी बेटी से कितना प्यार करते हैं ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। इस जिम्मेदारी को हमने अच्छे से निभाया है, वैसे ही गहने बनाए हैं। अगर आपकी दुकान पर कोई स्पेशल आइटम हो या कोई नई ज्वेलरी हो, प्लैटिनम हो, गोल्ड हो, डायमंड हो, कुछ भी स्पेशल चलेगा, लेकिन वो मेरी बेटी को पसंद आना चाहिए। हाय पापा। हाय। हाय अंकल। हाय सहाना, कैसी हो तुम? अच्छी और तुम्हारी म्यूजिक क्लास कैसी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है अंकल। क्या पापा, इतनी सारी ज्वेलरीज, अंकल के साथ मिलकर कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं क्या? अरे नहीं बेटा, ये सब तुम्हारी शादी के लिए है। आओ तुम भी देखो। नहीं पापा, मैं बहुत थक गई हूँ, आराम करने जा रही हूँ, आप ही सिलेक्ट कर लीजिए। लेकिन वो तुम्हारे लिए अपनी दुकान छोड़ कर आए हैं। अरे कोई बात नहीं, जाओ तुम आराम करो बेटी, जाओ। अरे वो थकी हुई है। शेरवानंद जी, मेरी बेटी जो जो गहने सेलेक्ट कर लेगी वो मैं आपको बता दूंगा। कोई बात नहीं सर, आप आराम से सेलेक्ट कर लीजिए, सेलेक्ट करने के बाद मुझे फोन कर दीजिए। अगर आप कहेंगे हाँ तो मैं लड़के के हाथ भेज दूंगा। अच्छा ठीक है। नमस्ते। ओके, मैं चलता हूँ। चलो। क्या हुआ त्रिशा, वो इतने अच्छे से बात कर रहा था और तुम क्यों ऐसे बात कर रही थी? ये भी कोई बात है क्या? छोटे मोटे लोग जैसे एक ही ग्लास से दो लोग दूध पीते रहते हैं, वैसे ही एक आइसक्रीम के कप में दो लोग दो स्पून डालकर ऐसे खा रहे थे जैसे दूसरा कप मिला ही ना हो। क्या तुम्हें इससे महंगी आइसक्रीम नहीं मिली? इसे देखकर पता चलता है इस आदमी की रेंज कितनी है। अब चुप भी रहो, जैसा तुम समझती हो वैसा नहीं होता। देखो लाइफ में हम कैसे रहते हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं होता, लेकिन हम किस तरह के लड़के से प्यार करते हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है। लड़का तो एकदम हैंडसम होना चाहिए, रॉयल फैमिली में सेटल होना चाहिए और हमारे लिए किसी भी तरह का रिस्क लेने के लिए रेडी होना चाहिए। टोटल अगर बोला जाए तो प्रिंस के जैसी लाइफ होनी चाहिए उसकी। इसीलिए तो कहते हैं कि लड़कों की बैकग्राउंड देखकर ही उससे प्यार करना चाहिए। वो सब जाने दो, आसमान देखना है तो सर ऊपर उठाना चाहिए, लेकिन तुम तो सीधा गैलेक्सी में ही हाथ डालना चाहती हो। सबकी सोच तुम्हारी जैसी थोड़ी ना होती है। मैं अपनी लाइफ में जिस तरह का लड़का चाहती हूँ उसके पास तो बड़ा बंगला होना चाहिए, रॉयल बिजनेस, वो ब्रांडेड कपड़े पहने और उसके नीचे काम करने के लिए 8-10 हेल्पर्स हो और इधर उधर जाने के लिए इम्पोर्टेड कार हो। Oh my God, amazing! I really love him like anything. ए त्रिशा, तुम्हें और क्या क्या खूबी चाहिए उसमें? मैं जब भी उसे बुलाऊं एक फोन पर आ जाए, आउटिंग हो, डेटिंग हो, इसके लिए उसके पास बहुत टाइम होना चाहिए। वही होगा मेरे सपनों का राजकुमार, बस एक बार मैंने जैसा सोच लिया वो वैसा ही होना चाहिए। हेलो, हाँ हाँ आ रही हूँ।
चलो मुझे कहीं जाना है। हाँ सॉरी जी। इट्स ओके, कोई बात नहीं। इस ड्रेस में तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। मतलब जो बाजू में खड़ी है वो सुंदर नहीं है? हाँ, अगर ये ड्रेस तुमने पहनी होती तो खूबसूरत लगती। What? आज इसका बर्थडे है, इसीलिए आज इसने ये ड्रेस पहनी है। वाओ, आज तुम्हारा बर्थडे है। ये अपना बासु कहाँ है? अरे वो सेठ ने चाचा को पैसे नहीं दिए ना, इसलिए वो बासु को पकड़ के ले गया। इसकी शक्ल देखकर कौन सा सेठ पैसा देगा? उसका भयानक चेहरा देखकर डर के मारे पैसे दे देंगे, ऐसा सोचकर चाचा उसे पकड़ कर ले गए। अगर मेरी शक्ल देखेंगे तो? अगर तेरी शक्ल देखेंगे तो कान के नीचे लगा कर देंगे। अच्छा ऐसा क्या? एक आगे लगाएंगे और एक पीछे लगाएंगे। समझ गया समझ गया। क्या समझ गया? वो सच में वैसा ही करेंगे। ए कौन है वो यार? जग्गी भाई वो मेरी कस्टमर है। अब मैं एक मिनट में आता हूँ। धीरे से जाना नहीं तो तुम्हारा भी तुम्हारे पिछवाड़े जैसा हो जाएगा। हाय खान, क्या बात है, तुम आए नहीं? है कौन वो? वो आंटी ना, वो बाजू वाली बिल्डिंग में रहती है। एक दिन अपना ये खान है ना, वो उनके घर पर गया और वो मैं इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि मेरे एरिया की जितनी भी लेडीज की गाड़ी है सबको मैं ही ठीक करता हूँ। दिन में तीन तीन गाड़ियों की सर्विसिंग करके मैं जरा थक गया था ना। तुमने जब से मेरी गाड़ी ठीक की है ना, ये गाड़ी तो एकदम टॉप पे चल रही है। दोबारा ठीक कब करोगे? मैं तो अभी आने की सोच रहा था, लेकिन ये नट बोल्ट दोनों साथ में ही है। तुम अभी घर जाओ, मैं तुम्हें फोन करके आता हूँ। जाओ क्या? बाय। वो से ऐसा क्यों कर रही है? सॉरी। कोई बात नहीं, अभी तुम कुछ नहीं बोलोगे, मैं बात करता हूँ। ये सब इसका क्या चल रहा है, आज मैं इसे ये पूछ कर ही रहूंगा। आ गया। उसने अपनी पहली सर्विसिंग मुझे से करवाई थी। अच्छा, ये तो बताओ कि आंटी तुम्हें घर में बिरयानी खिलाने के लिए बुला कर गई? ए चुप रहा रे मोटू, जग्गी भाई के सामने क्यों मेरी इज्जत का फालूदा कर रहा है? पहले तो उसने अपनी गाड़ी सर्विस करवाने के लिए तुम्हें बुलाया था, फिर खान बाबू मुझे थोड़ा उधार चाहिए ऐसे बोली होगी। वैसे भी तुम भंगार बेचकर खाने वाले, तुम्हारे पास फूटी कौड़ी भी नहीं होगी, तो तुमने तो उसे कुछ भी नहीं दिया होगा, तो आज यहाँ पर आकर वो क्या बोली? तेरी स्लिम बॉडी को हाथी जैसा बड़ा कैसे करना है, यही बात बताने के लिए वो आई होगी। क्या हो गया त्रिशा? पता नहीं यार, पता नहीं कैसे बंद हो गई। ये क्या त्रिशा, तुम्हारा लव तो 100 किलोमीटर के स्पीड से चल रहा है लेकिन तुम्हारी गाड़ी तो रुक रुक के चलती है, ये क्या बात है? गैरेज का पता लगाना पड़ेगा। ठीक है एक मिनट रुक। हेलो अंकल, इधर कोई गैरेज है क्या? यहाँ से सीधा जाकर लेफ्ट लेने का, वहीं पर मिलेगा आंटी। आंटी बोला? कोई है क्या? अरे मैडम बताइए क्या प्रॉब्लम है? हेलो, प्रॉब्लम हम में नहीं गाड़ी में है। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है ये मुझे कैसे पता चलेगा? मैडम तुम्हें क्या प्रॉब्लम है ये नहीं पूछ रहा हूँ, गाड़ी की क्या प्रॉब्लम है ये पूछ रहा हूँ। मैडम आपकी गाड़ी ट्यूब वाली है या ट्यूबलेस है? What do you mean? अब देखिए मैडम, गलत मत समझिए, मैं ये बोल रहा हूँ, देखिए वो क्या है ना कि, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, अगर बिना ट्यूब की गाड़ी है तो गाड़ी की लाइफ बहुत लंबी चलती है, पूरी जिंदगी आराम से गुजरती Look, है। मिस्टर, ये विद ट्यूब हो या विदाउट ट्यूब हो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, गाड़ी का चलना इम्पोर्टेंट है, अंडरस्टैंड? लगता है लड़की मिर्ची खा के आई हुई है। अब देखिए मैडम, आपकी मर्जी है, आप चाहे जैसे भी करो, मुझे क्या है मैडम। मैडम बिना ट्यूब वाली गाड़ी इस्तेमाल करो, जितना चाहोगी उतना दौड़ेगी। ए बासु, 2838 का पाना लाया। अरे खान, वो 2838 नहीं है, अरे 3638 है वो, इतनी सारी गाड़ी बना चुके हो फिर भी समझता नहीं। मैडम आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप इधर बैठिए ना, नहीं तो हाथ पैर में दर्द हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। ए बासु, जरा देख के काम कर रहे,
ये ले पकड़। मैं तो यहाँ देखने के लिए ही हूँ। याद रखना फ्रंट साइड और बैक साइड। सॉरी। हाय हाय हाय। इसे और कितना दबाऊं? मैडम वैक्सिंग की है क्या? मतलब बहुत चिकनी लग रही है ये। कहाँ फंस गई मैं? हे त्रिशा, वो देखो, तुम्हारा ड्रीम बॉयफ्रेंड, द ग्रेट बिजनेसमैन, सो बड़े बंगले का प्रिंस रॉयल लाइफ लीड करने वाला, यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ इसका क्या काम? उसके रहने का स्टाइल, उसके ब्रांडेड कपड़े, उसके नजदीक आने पर परफ्यूम की फ्रेग्रेंस, वाओ, सुपर्ब, कुछ भी बोलो, वो तुम्हारा ड्रीम बॉय है ना? हेलो मैडम, वो राजकुमार हमारा जग्गी है। हाँ। बहुत भारी है, लेकिन मैनेज कर लूंगा। नमस्कार मैडम। तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती ना, यू चीटर? किसी की भी कार लेकर, किसी की भी ड्रेस पहनकर स्टाइल मारना, तुम्हें पता है तुमने कितनी लड़कियों को धोखा दिया है? तुम्हें तो डूब कर मर जाना चाहिए। मैडम मुंह बंद करो अपना, काम करते हो एक मैकेनिक का और सपने मुझ जैसी लड़की के, तुम एक नंबर के थर्ड क्लास हो। तुम्हारी औकात क्या है तुम्हें पता है ना? त्रिशा, मुझ जैसी लड़की तुम्हें सपने में भी नहीं मिलेगी। क्या हुआ अंकल? कुछ नहीं मैडम, मेरी बेटी त्रिशा जक्की के साथ झगड़ा कर रही है। मैं जरा वहाँ जाकर देख कर आता हूँ। गैरेज में मैकेनिक का काम करने वाले और फुटपाथ पे सोने वाले लड़के को मुझ जैसी लड़की चाहिए। तुम्हें मेरा स्टेटस भी मालूम है क्या? Idiot. Hey, जरा आज के बाद मेरे आसपास भी मत भटकना। अरे जाने वाला यही है क्या? सबको दरवाजा खोलो जल्दी से, दरवाजा जल्दी से खोलो। ये क्या, आज फिर पी कर आए हो? फिर से शुरू कर दिया ना? अरे थोड़ी सी ही पी है। ठीक है अंदर आओ, खाना खा लो। कहाँ है वो तुम्हारी बेटी, उसे बुलाओ। खाना वाना कुछ नहीं चाहिए मुझे। क्या जी, आपका रामायण फिर शुरू हो गया, चुपचाप खाना खाकर सो जाइए। मुझे तुम्हारा खाना वाना नहीं चाहिए, जाओ बुलाओ अपनी बेटी को। मम्मी ये कैसा शोर है? एक थप्पड़ लगाओ क्या? क्या कर रहे हैं?
एक जवान लड़की पर कोई ऐसे हाथ उठाता है क्या? आपको शर्म नहीं आती है क्या? ये तुम्हारी बेटी ने अपनी मान मर्यादा सब मिट्टी में मिला दी। मैंने क्या किया है? तुमने क्या किया है? उस गैरेज में उस जग्गी के साथ झगड़ा करके तुमने मेरी मान मर्यादा मिट्टी में मिला दी। मम्मी, वो एक नंबर का थर्ड क्लास है, आने जाने वाली लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाता है, इसीलिए मैंने उसे अच्छे से सबक सिखा दिया। ए, तुमने उस पर हाथ उठाया ना, अगर वो तुझ पर हाथ उठाता तो वो थर्ड क्लास का बच्चा मुझे क्या मारेगा। ए, देखो कैसे बात कर रही है। देखो सुनिए जी, ये एकदम सही बात कर रही है, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? ये तुम क्या कह रही हो? तुम इसी को सपोर्ट कर रही हो? इसने उस शरीफ लड़के को थर्ड क्लास बोला, लेकिन वो कौन है पता है तुम्हें? हाई क्लास। और यहाँ जो तुम्हारी बेटी खड़ी है ना, वो लो क्लास है। ये तो उसे थप्पड़ मार कर आ गई, लेकिन मेरे बॉस की लड़की ने क्या किया पता है तुम्हें? उसे प्यार करके उसे बाहों में भर लिया। अब इसके बारे में बॉस को पता नहीं है, या तो वो उसके घर का जमाई बनेगा या फिर काम से जाएगा। काम से जाएगा। अजी उठिए ना। हाँ। उठिए ना, थोड़ा तो खाना खा लीजिए। सुनिए, आप जब देखो तब ऐसा ही करते हैं। ओह गॉड, बहुत लेट हो गई। दीदी दूध पी लीजिए। पूरा खत्म कीजिए। नहीं नहीं मम्मी, बाय। ए सहना, सहना बेटा रुक जाओ। सुनो सहना, इस समय इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रही हो बेटा? म्यूजिक क्लास जा रही हूँ। क्या मम्मी, इसमें कुछ नया थोड़ी ना है? तुम क्या नई बात सोच रही हो? शादी होने वाली है, इसीलिए तुम्हारे मन में जो भी भावनाएं आए उसे कैद कर लो। देखिए मम्मी, आप और पापा ही मेरे लिए इस दुनिया में सब कुछ है। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे आपको और पापा को तकलीफ हो। अब तो खुश हो जाओ मम्मी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम झूठ बोल रही हो? में आने के समय पे ये कहाँ जा रही है? Excuse me. क्या मैडम? You help me. English नहीं आती है तो क्यों बोलते हो? अपने बॉस को बुलाना। मैडम आपने मुझे बुलाया क्या? ए बंदर, मैं तुम्हें नहीं, तुम्हारे बॉस जग्गी को बुला रही हूँ। वहाँ पर क्या चल रहा है? तुम्हारी आंखों के सामने केला लटक रहा है और तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या? ये लड़की अपने आप को साड़ी में ढक के जग्गी भाई से मिलने के लिए आई है। जा जग्गी भाई को बुला के ला। अरे वहाँ खड़े खड़े क्या जग्गी भाई को ढूंढ रहे हो? वहाँ जग्गी भाई नहीं मिलेंगे, जग्गी भाई यहाँ पर हैं। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ तो बोलो ना। यहाँ नहीं, कहीं और चले। देखो मुझे अभी बहुत सारा काम है, मैं नहीं आ पाऊंगा। तुम्हें जो भी बात करनी है यहीं पर कर लो। वो बात यहाँ नहीं कर सकती, तुम चल रहे हो या नहीं। अगर तुम अभी मेरे साथ नहीं चले तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी। एक मिनट रुको। एक मिनट मैडम, अब कॉफी या चाय कुछ पियेंगी क्या? जाने दीजिए, गुस्से से मत देखिए, हम तीनों ही मंगा कर पी लेंगे, आप मत पीजिए। अरे जग्गी भाई आ गए। देखा ना बाजू, लड़की के पीछे भागने वाले का कभी उद्धार नहीं हो सकता, बोलने वाला आज खुद लड़की के पीछे जा रहा है। हमारा जग्गी भाई ना लड़की के पीछे नहीं, आगे है। हेलो, तुम वहाँ बैठोगे तो गाड़ी कौन चलाएगा? अच्छा खान भाई,
लड़की के पीछे जग्गी भाई नहीं जाएगा तो उसकी उधारी नहीं होगी, ये आप बोल रहे हो खान भाई। पर आंटी के पीछे जा जाके आपकी तो उधारी बढ़ रही है खान भाई। एकदम सही बोला, एकदम सही। ए खान, इस बारे में तुम्हारा क्या मानना है? मुझे सभी बातों का उत्तर पता है भाई। क्या पता है तुम्हें? मतलब मैं लड़कियों के पीछे गया तो मेरा कभी उद्धार नहीं होने वाला, तो इसलिए मैं आंटियों के पीछे जाता हूँ। क्या हुआ, तुम इतनी देर से चुपचाप क्यों बैठे हो? कुछ बात नहीं कर सकते क्या? ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर बात करो ना। देखो, बात करने के लिए यहाँ बुलाने वाली तुम हो, मैं नहीं। सुनो, तुम्हें याद है क्या, जब पापा ने मुझे ये कार गिफ्ट की थी तब पहले ड्राइवर तुम ही थे। उस दिन भी तुम ही कार ड्राइव कर रहे थे और आज भी तुम ही ड्राइव कर रहे हो। मैं कहना क्या चाहती हूँ तुम्हें समझ आ रहा है ना? मुझे तो यही समझ में आ रहा है कि बस मैं इस कार का ड्राइवर हूँ। तुमने कुछ कहा क्या? नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। बट उस वक्त मुझे तुम्हें देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। तुम्हारा गेटअप थर्ड क्लास जैसा था, इसी वजह से तो मेरा गुस्सा और भी बढ़ रहा था। पर आज तुम्हारे लिए एक अलग ही फीलिंग आ रही है। गाड़ी साइड में लो। ये लो। ये क्या है? ये किस लिए है? ज्यादा सवाल मत पूछो, जाओ चेंज करके आओ। यहीं पर? हाँ यहीं। पता नहीं क्या क्या करवा रही है मुझसे। मुझे तो लगता है कि ये पक्का मुझे बकरा बनाने वाली है। तुम्हें पता है मैं तुम्हें यहाँ क्यों लेकर आई? मुझे संगीत बहुत पसंद है। जो धुन तुम बजाते हो ना, उस धुन पर मैं बहुत अच्छा सा एक गाना गा सकती हूँ। इसीलिए मैंने सोच समझकर एक फैसला किया है, और वो फैसला तुम्हारे लिए सरप्राइज जैसा है। ये पल मेरी जिंदगी का सबसे खास पल है। आई लव यू, आई लव यू जग्गी, आई लव यू सो मच, सो मच, आई लव यू सो मच। तुमने अपने बारे में सब कुछ बता दिया, लेकिन मेरे बारे में कहने के लिए तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं रहने के बाद भी तुम मुझे इतना प्यार करती हो, मुझे ये सब एक सपने जैसा लग रहा है। तुम्हारे प्यार को स्वीकार करना चाहिए या फिर इनकार करना चाहिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भगवान के लिए मुझे तुम देख रहे। सोचा था
लड़की को ऐसे टच करूंगा तो इसके बदन में खून उबाल मारेगा, लेकिन ये तो साइलेंट खड़ा है। ये वही हीरो है और ये वही हीरोइन है और सेम विलेन, बस लोकेशन थोड़ी चेंज है। उस दिन तूने मुझे जब मारा तो सिर्फ गैरेज वालों ने देखा था, लेकिन आज जब मैं तुझे मारूंगा तो पूरा गांव देखेगा। इसकी कोई गलती नहीं है। सहना, तुम ठीक तो हो ना बेटा? पापा, मुझे कुछ नहीं हुआ है। मुझे बेटा, कुछ भी बताने की जरूरत नहीं, जाओ तुम आराम करो। पापा, अरे बोला ना चुप रहो, अंदर ले चलो। अंदर चलो। एक मिनट, यहाँ मुझसे कह रहे हैं। हाँ, तुम्हारा शोर शराबा बदतमीजी वो सब सह लेता हूँ, लेकिन अब तुम आग में हाथ डालने जा रहे हो, बताओ ऐसा क्यों कर रहे हो? हाँ, आखिर तुम उस लड़की सहाना के पीछे क्यों पड़े हुए हो? तुम्हें पता है उसका पिता कौन है? वो अपनी बेटी के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, और अगर कहीं उसके दिल को कोई बात खटक गई तो सोच भी नहीं सकते तुम्हारा क्या हाल करेगा। ऐसे बड़े लोगों के साथ तुम्हारा, देखिए सर, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैंने कभी भी उससे प्यार नहीं किया है सर, लेकिन वो सामने से मुझसे प्यार करती है। मुझसे प्यार करके उसका कोई भविष्य नहीं है, वो समझ में नहीं आ रहा है उससे। अगर वो मुझसे शादी करती है तो उसे मेरे पास गैरेज में खड़ी हुई खटारा गाड़ियों में बैठना पड़ेगा। अगर मेरी माँ जिंदा होती तो आज वो इस शादी के लिए कभी राजी नहीं होती। मेरी औकात क्या है ये मैं अच्छे से जानता हूँ। मेरी औकात बस यही है कि मैं सिर्फ गाड़ियों का काम कर सकता हूँ, किसी गाड़ी को रिपेयर कर सकता हूँ, लेकिन उस गाड़ी का मालिक बन जाऊं ऐसी तो मेरी किस्मत नहीं है। ये बात मैं अच्छे से जानता हूं। चलता हूं सर। ए जग्गी, भगवान तुम्हारा भला करे। अरे रे, पैर मत छुओ। क्या बात है जी, आज साहब की पार्टी इतने टाइम तक चल रही है? क्या हुआ जी, बताइए ना। ऐश्वर्या, मुझे ऐसा लग रहा है
कि सहाना कुछ गलत कर रही है। ये आप क्या बोल रहे हैं? अभी वो छोटी है, उसमें समझ कम है। मुझे डर है कि कहीं वो इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में कुछ ऐसा ना करे जिससे उसकी जिंदगी खराब हो जाए। आप ये सब सोचकर दिमाग मत खराब कीजिए। आप ही ने कहा था ना कि अब वो छोटी बच्ची नहीं है। मैं उसे समझाऊंगी, कल सुबह बात करूंगी मैं उससे। अब पीना बंद कीजिए और खाना खाकर सो जाइए। तुम जाओ, मैं आता हूँ। ठीक है, जल्दी आइए। सहाना, गुड मॉर्निंग मम्मी। ये लो। क्या बात है, आज आप कॉफी दे रही हैं? सहाना, तुम ऐसा क्यों कर रही हो बेटा? क्या तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कर रही हो? सब बात समझाने के लिए अब तुम कोई छोटी बच्ची तो नहीं हो ना बेटा। मम्मी, आप सुबह सुबह ये सब क्यों कह रही हैं? आज मैंने तुमसे बात नहीं की तो कल तुम्हारे पापा को सर झुकाना पड़ सकता है। पंकज के साथ तुम्हारी शादी फिक्स हो गई है, पता है ना तुम्हें? पता है। तुम्हें पता है फिर भी तुम उस गैरेज वाले लड़के के साथ घूम रही हो? तुम सिर्फ अपने पागलपन के लिए अपने पापा को क्यों दुखी कर रही हो, बताओ जरा। अच्छा, उस बात के लिए। मम्मी, मैं भी पहले जग्गी को पागल और थर्ड क्लास टाइप का लड़का समझती थी, लेकिन मुझे ना बाद में पता चला कि उसका दिल बहुत अच्छा है। वो हमारे जैसे स्टेटस में नहीं जीता है, लेकिन वो बहुत अच्छा है मम्मी। वो दिखने में थोड़ा खड़ूस है, लेकिन उसका मन बहुत साफ है मम्मी। सहाना, मैं तुमसे उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मांग रही हूँ। मैं बस इतना कह रही हूँ कि उसके साथ घूम कर अपनी जिंदगी मत बर्बाद करो। मेरी बेटी मेरे पसंद से शादी करेगी, अपने स्टेटस के लड़के के साथ शादी करेगी, ये सब सोच के तुम्हारे पापा कितने खुश हैं? मम्मी, डैडी का स्टेटस है ये मुझे पता है, लेकिन जब उन्होंने आपसे शादी की तब आपका स्टेटस क्या था? जब पापा ऐसा कर सकते हैं तो वो क्यों नहीं कर सकता है मम्मी? जो बोल रही हूँ उसे सुनने के बजाय तुम मुझे ही समझा रही हो। चुपचाप अपने पापा के पसंद के लड़के के साथ शादी करो और उनकी इज्जत का सोचो। ठीक है मम्मी, आप जिससे कहेंगी मैं उससे शादी करूंगी। अब तो खुश हो ना? लेकिन एक बात मेरी भी सुन लीजिए, अगर मैंने पंकज से शादी की तो मैं जिंदगी भर उसके साथ खुश नहीं रह पाऊंगी। आपको तो आपका स्टेटस प्यारा है, मेरी खुशी नहीं ना? मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी बात को जरूर समझोगी। सुनिए। हाँ? जी वो शादी के लिए मान गई है जी, सब आपके हिसाब से ही होगा। हाँ। देखो, जब बच्चे छोटे होते हैं तो माँ बाप सोचते हैं कि कब बड़े होंगे। बचपन में उनकी बातें सुनकर माँ बाप कितना खुश होते हैं। बच्चों की सारी हरकतें अच्छी लगती हैं। उनकी एक मुस्कान पर माँ बाप का दिल खुशी से झूम उठता है, दिल गदगद हो जाता है। लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं और ऐसा करते हैं तो मन में कितना दुख होता है। हे भगवान, तुमने मुझे सब कुछ दिया लेकिन ऐसी बातों की चुभन सहने की शक्ति नहीं दी मुझे। हाँ?
गुड मॉर्निंग मैडम, आप यहाँ पर? हाँ मैं यही हूँ, और तुम मुझे देख रहे हो, ये भी एकदम सच है। जग्गी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल जी नहीं सकती। मैं बहुत जिद्दी लड़की हूँ, मुझे जो चाहिए होता है वो मैं लेकर ही रहती हूँ, क्योंकि मैं धनंजय की बेटी हूँ। मेरी जिद के आगे पापा को झुकना ही पड़ेगा। मैडम, आप अपने गुस्से को, अपने जिद को मेरे ऊपर क्यों जाहिर कर रही हैं? आप दिमाग वाली हैं, आप पढ़ी लिखी हैं। मैं इस दुनिया को बहुत अच्छे से जानता हूँ। आप जैसे लोगों को मेरे जैसे इंसान के पीछे पड़कर अपना सुंदर सा जीवन खराब नहीं करना चाहिए। तुम अब कुछ भी कहो, मैं जरा भी पीछे हटने वाली नहीं हूँ। मैं यहाँ बहुत सोच समझ कर आई हूँ, समझे तुम? और हाँ, मुझे अपनाने के लिए तुम्हें किस चीज का डर है? पैसों का डर है या पापा का डर है, बताओ मुझे। एक लड़की होकर मैं इतनी हिम्मत दिखा सकती हूँ, तो एक लड़के होकर तुम क्यों नहीं कर सकते? जब भी तुम मेरे साथ होती तब लफड़ा होता है। चलो मेरे साथ। हम इसे पकड़ेंगे, भागो। क्या कहा? बच गया वो? उसे खत्म करके मेरी बेटी को घर लेकर आओ। जग्गी, तुम मुझे घर क्यों लेकर आ गए? अरे 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 जग्गी, आई सेड स्टॉप। जग्गी, ये क्या है? तुम पागल हो गए हो क्या? मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हो? बकवास बंद करो, चलो। मुझे नहीं जाना है। चलो। जग्गी, जग्गी मुझे नहीं जाना है। सहना, तुम्हें समझ नहीं आता ना? बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या? हमें नीचा दिखाने का काम क्यों कर रही हो? चलो। मम्मी, मेरी बात सुनिए, मुझे जीना भी इसके साथ है और मरना भी। अपना मुंह बंद रखो। एए, ये तुम क्या कर रही हो? मेरी बेटी के ऊपर हाथ उठाया तुमने? एए, इसके पैदा होने के बाद ही मुझे ये शान और शौकत मिला, याद है ना? इस घर की लक्ष्मी है ये। मेरी बात सुनो बेटी। बेटी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अरे तुम मेरी बेटी हो, तुमसे गलती नहीं हो सकती। इन सब गलतियों का कारण ये है। तू मेरे घर में अंधेरा करना चाहता है। ये मेरे घर की रोशनी है और तू उसे बुझाना चाहता है। सर, एक मिनट के लिए मेरी बात तो सुन लीजिए। अगर आपकी बेटी को लेकर जाना रहता तो क्या लगता है आपको मुझे कितना वक्त लगता? सिर्फ 5 मिनट, उससे ज्यादा नहीं। मुझे उसके प्यार से ज्यादा आपके ऊपर बहुत गर्व है सर। सुनिए, दुनिया में कितने माँ बाप को अपने बच्चों के साथ समय बिताने का टाइम ही नहीं मिलता है। ऐसे समय में तुम्हारे माँ बाप तुम्हें अपनी जान मानते हैं। सहना, मेरे माँ बाप मेरे भाई बहन कोई नहीं है, लेकिन रिश्तों की अहमियत क्या है ये मुझे पता है। और मुझे वो प्यार भी आज तक कभी नहीं मिला। और जन्म देने वाली मेरी जो माँ है, मैंने उनकी शक्ल भी कभी नहीं देखी। अगर तुम्हारे जैसे लोग घर के बाहर पैर भी रख दें तो मेरे जैसे 100 मिल जाएंगे। न जाने कितने लोग तुम्हें चाहेंगे, लेकिन तुम्हारे ऊपर भरोसा करके, इतना बड़ा करोड़ों का महल बनाकर, लाखों सपने सजाए हुए ऐसे
जिंदा भगवान के प्यार को छोड़कर जाओगी तो ऐसा प्यार तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। इस दुनिया में पहला प्यार माँ बाप का ही होता है। भगवान के लिए मैं हाथ जोड़ता हूं, उस प्यार को तुम गवाओ मत। अगर तुम इनके प्यार को छोड़कर इस तरह से चली जाओगी तो ये अनाथ हो जाएंगे। हे, प्यार है करके पुराने संबंधों को छोड़ा नहीं जा सकता, उन्हें संभाल कर रखना चाहिए। सर, मैंने आज तक आपके सामने खड़े होकर कभी बात नहीं की, लेकिन आज इस वजह से मुझे मजबूरी में करना पड़ा। भगवान के लिए मुझे माफ कर दीजिए सर। जग्गी, मम्मी, जग्गी, प्लीज मम्मी रोक लीजिए उसे। राजीव। हाँ सर। कुछ ऐसा है जिसके कारण मेरा मन बहुत परेशान है। उस लड़के को बुला कर ला। कौन से लड़के को बुला कर लाऊं? अरे वही, वो गैरेज वाला लड़का। अच्छा, वो अपना जग्गी? हाँ, उसे ही। बहुत अच्छा लड़का है, स्वाभिमानी भी है। उसके स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। जाओ लेकर आओ उसे। ठीक है सर, जाओ। आप फिर उस लड़के को तुम जाके शादी की तैयारी करो। लव यू। यस। जग्गी, जग्गी, क्या हुआ बेटा? तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? बस ऐसे ही थोड़ा आराम कर रहा था चाचा। इतना खुश रहते हो तुम, और तुम्हारे चेहरे पे खुशी नहीं है। नहीं चाचा, ऐसी कोई बात नहीं है। बेटा, जब तुम इतने छोटे से थे ना, तब से देखता आ रहा हूँ मैं तो। सिर्फ तुम्हारे चेहरे को देख के ही बता सकता हूँ कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। मुझे मालूम है बेटा। जग्गी, कैसे है मैनेजर साहब? मेरी बात छोड़िए चाचा, जग्गी को हमारे बॉस ने बुलाया है। अच्छा? हाँ चाचा, जग्गी को बुला कर लाने के लिए तो भेजा है मुझे। नहीं नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, इसके आगे हमारे जग्गी का लेवल ही बढ़ जाएगा चाचा। और मैं हूँ ना, मैं रहूंगा उसके साथ, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। ए जग्गी, अरे बाबा जल्दी चलना। जाओ बेटा, जाओ। जग्गी, खुश रहो। जग्गी, मैं भी चलूं क्या? ए, निकलो यहाँ से। आओ बैठो। कोई बात नहीं सर। अरे बैठ जाओ। ज्योति। जी साहब। उन्हें पीने के लिए कुछ दो। ठीक है साहब। उस दिन जब तुम मेरे घर पर आए थे, तब तुम्हें बैठने की इजाजत नहीं थी, लेकिन अब है। बैठ जाओ। अरे उन्हें दो। ए, उसे रखने के लिए नहीं दिया है, पीने के लिए दिया है। चलो पियो। ऐश्वर्या। आ रही हूं। लीजिए। दे दो। हाँ, ये लीजिए। ये मेरी बेटी का इनविटेशन है। भगवान के सामने रखने के बाद ये पहली पत्रिका है जो मैं तुम्हें दे रहा हूं। मैं तो बस एक साधारण सा कार मैकेनिक हूं सर, पहला इनविटेशन कार्ड आप मुझे दे रहे हैं? मैं जानता हूं कि मुझे चाहने वाले हजारों लोग हैं, लेकिन तुम मेरे मन को भा गए हो।
इसीलिए मैं पहली पत्रिका तुम्हें दे रहा हूं। अरे ले लो। अरे ये क्या, सिर्फ पत्रिका ही नहीं, ये सब भी तुम्हारे लिए ही है। बहुत अच्छा लड़का है। हे भगवान, ये कैसी दुविधा है। जग्गी, मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया। मैंने तुम्हारे मन में कई सारी आशाएं पैदा की, लेकिन उसके सामने हमारा कुछ नहीं चलता। जग्गी मुझे माफ कर दो भाई, मुझे माफ कर दो जग्गी। सुनिए, क्या सोच रहे हैं आप ऐसे? बेचारा जग्गी हमेशा कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स फेस करता रहता है। पहले तो माँ बाप, फिर भाई बहन, सब रिश्तेदारों को उठा लिया उस भगवान ने। तुम्हें याद है मैंने एक बार तुम्हें बताया था, मेरे बॉस की लड़की जग्गी से बहुत प्यार करती है। क्या वो बात लड़की के पिता को पता चल गई? पता चलने की क्या बात है, वो लड़की अपना घर छोड़कर बैग लेकर जग्गी के पास चली गई थी। हे भगवान, उस लड़की का दिमाग खराब था क्या? उसके पास अक्ल नहीं थी, इसीलिए जग्गी उसे उसके मम्मी पापा के पास लेकर गया और उसे समझाया, और मेरे शेर जैसे बॉस एकदम गाय जैसे हो गए। आज मेरे बॉस ने उसे उनके घर पर बुलाने के लिए कहा, मैं उसे बहुत खुशी से लेकर गया, लेकिन उसके हाथ में शादी का इनविटेशन कार्ड पकड़ाकर उन्होंने उसे शादी में आने का न्योता दिया, और जग्गी ने भी उसे हंसते हंसते ले लिया। मेरे बॉस ने बहुत बड़ी गलती कर दी, और वैसे भी ऐसे लड़के को जमाई बनाने के लिए माँ बाप को बहुत पुण्य करने पड़ते हैं। ए, ए त्रिशा, हे। अरे कैसा है तू, वहाँ बेइज्जत करने के लिए बुलाया था क्या उन्होंने? ऐसे बुलाकर कार्ड हाथ में दे दिया और तूने भी हंसते हंसते ले लिया। वही कार्ड लेकर उनके मुंह पर मारना चाहिए था ना। जग्गी भाई, एक बात मुझे सच सच बताओ, क्या तुमने कभी उस लड़की से सच्चा प्यार नहीं किया? टेंशन मत लो जग्गी, इसे हम सॉल्व करेंगे। टेंशन मत लो जग्गी भाई, हमारी जान चली जाए तो भी कोई परवाह नहीं, पर तुम्हारी शादी उस लड़की से करवा के ही रहेंगे। हाँ जग्गी। हाँ भाई। शाबाश। सुपर। मैबुलस। ये तुम लोग, ये तुम्हारी शक्लें, और ये तुम्हारा अवतार, और ऊपर से ये तुम्हारा बॉस। ये कॉम्बिनेशन कैसा है ये बताओ तो। इस पूरी दुनिया में लगता है ऐसा प्यार करने का दम किसी में भी नहीं है। जैसा प्यार करने का दम इसमें है, और इसका साथ देने वाले तुम लोग हो। ये सब देखती हूँ ना तो मेरा पूरा बदन कांप जाता है। ए, पता नहीं मैंने तुमसे क्या सोचकर प्यार किया था, और तुम मुझे मेंटेन नहीं कर पाओगे ये सोचकर मैंने तुम्हें छोड़ दिया था। लेकिन वो तुम्हारे बारे में बिना कुछ जाने ही वो तुम जैसे लड़के से इतना ज्यादा प्यार करती है, मुझे लगता है कि वो लड़की बहुत बड़ी महान होगी। और क्या बात है, मैं तुम्हें कब से कुछ बोल नहीं रहा हूँ तो तुम कुछ भी बोलोगी।
तुम्हारे हिसाब से लड़कियां अच्छी होती हैं, लड़के दगाबाज होते हैं ना। अच्छा मैं तुमसे प्यार करता हूँ ये बात मैंने तुमसे कभी कही? नहीं कही ना। तुम भी मुझे अमीर समझकर मुझसे प्यार करने लगी थी और बाद में मुझे थप्पड़ मारकर चली गई थी यहाँ से, और वो मुझमें म्यूजिक का जादू है ये समझकर मुझसे प्यार करती है। उसका स्टेटस क्या और मेरा स्टेटस क्या है? उसके साथ शादी करके मैं उसे जिंदगी भर गैरेज में कैसे रख सकता हूँ? अच्छा ये बताओ तुम मुझसे शादी कर सकती हो क्या? देख क्या रही हो मुझे? चलो निकलो यहाँ से, जाओ यहाँ से। देख क्या रही हो, जाओ यहाँ से। ए जग्गी, जग्गी थोड़ा आराम से भाई। जग्गी, ए जग्गी, ए जग्गी उठना। अरे क्या हुआ था कल रात को तुझे? कैसी कैसी बातें कर रहा था तू? अगर ऐसा ही कुछ था तो कभी भी मुझे कुछ बताया क्यों नहीं तूने? तू मुझे अपना दोस्त मानता है कि नहीं? जग्गी भाई, तुम उस लड़की से प्यार करते हो सिर्फ एक बार बोल दो भाई। सलमान खान की वो पिक्चर देखी ना तुमने? उस पिक्चर में वो सीन था ना कि हीरो को हीरोइन से मिलाने के लिए उसके दोस्त अपनी जान दे देते हैं। हम भी तुम्हारे प्यार को मिला के ही दम लेंगे। चलो जग्गी भाई चलो। ए जग्गी, ये बता तूने हमें छोटा बच्चा समझ रखा है क्या? एक बार बता, लाशें बिछा देंगे हम, भले ही जेल चले जाए। तू भी ना, तेरा प्यार हम तुझे दिला के रहेंगे। तू ना किसी चीज की चिंता मत कर, चल। क्या बोलते हो? हाँ जग्गी भाई, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है हमें बताओगे तो हम समझेंगे ना। ये निराश होने का नहीं, आगे बढ़ने का समय है। तुम्हारे प्यार के लिए मैं अपनी जान दांव पे लगा दूंगा, लेकिन तुम्हारा प्यार हारना नहीं चाहिए, किसी भी कीमत पे नहीं हारना चाहिए। लाइए ये फूल यहाँ दीजिए। नमस्कार। जग्गी तुम आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मेरी वाइफ शकुंतला। नमस्ते। और ये मेरी बेटी त्रिशा।
शक्ल देखी है अपनी? एक मैकेनिक होने के बावजूद तुम मुझे पाने का सपना देखते हो। तुम थर्ड क्लास हो, तुम्हारी औकात क्या है पता है तुम्हें? त्रिशा खड़े खड़े क्या देख रही हो, अंदर लेकर जाओ जग्गी को। बहुत ही शरीफ लड़का है ये। हाँ? उसे देखिए ना, देखने में कितना अच्छा लड़का है। उसे हमारे दामाद बनाने के बारे में आपका? शकुंतला, किस्मत के आगे किसी की नहीं चलती। चलो अब। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आओ जग्गी बैठो। पहली बार शादी कर रहे हो? हाँ पंडित जी। ठीक है, और लड़की कहाँ है? वो अंदर है। के पास चली जा। ठीक है। ओ जग्गी। नमस्कार। नमस्कार। मंगल धुन बजाना शुरू करो। एक मिनट चुपो। पापा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मुहूर्त निकला जा रहा है, मंगलसूत्र बंधवा लो, उसके बाद बात करते हैं। बाद में बात करके कोई फायदा नहीं है। क्या बात है बेटी? मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ पापा, शादी के बाद मैं एक पत्नी बन जाऊंगी। मैं 10 मिनट के लिए आपकी बेटी बनकर बात करना चाहती हूँ। आपकी बेटी को जो पसंद है वो खाली बातों से बयां नहीं हो सकता पापा। आज आप भले ही मेरे दुख को ना समझे, लेकिन पापा ये जो कुछ भी है सब आप लोगों की ही वजह से है। ऐसे माता पिता किस्मत वालों को मिलते हैं पापा। मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे आप लोग मिले। सहाना, मुहूर्त निकला जा रहा है बेटा, उसके बाद में बात करते हैं। मुझे बोलने दीजिए मम्मी। बचपन से लेकर मैंने जो भी मांगा आपने मुझे सब दिया, सारी ख्वाहिशें पूरी की, लेकिन फिर क्यों आज जग्गी के बारे में क्यों आप लोगों ने ऐसा डिसीजन लिया? मैं आपकी बेटी हूं पापा, तो पापा आप ही का खून मेरी रगों में बह रहा है ना पापा, तो मैं भी आप ही की तरह हुई ना। दुनिया में जितने भी माँ बाप है अपने स्वाभिमान के लिए अपनी बेटी की इच्छा जाने बगैर ही उसकी खुशियों की बलि चढ़ा देते हैं, और आपने भी एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। मैं इससे खुश हूं या नहीं, पर मेरी खुशी तो इसके साथ है पापा। मैंने तुमको अपनी जान से ज्यादा चाहा।
मगर मेरे प्यार को तुम क्यों नहीं समझ पाए? पर आपने अपनी इज्जत और सम्मान के खातिर अपनी बेटी की खुशियों की बलि चढ़ा दी पापा। एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा पापा। मैं इससे प्यार करती थी पापा, मगर ये मुझसे ज्यादा आपकी इज्जत और आदर करता था। लेकिन एक बात बोलूं पापा, वो भी मुझसे उतना ही प्यार करता है। आपकी इज्जत और सम्मान को कोई ठेस ना पहुंचाते हुए अभी तक उसने प्यार को दिल में ही छुपाकर वो तड़प रहा है पापा। बेटी, पापा मुझे बोलने दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए पापा, पर आज मैं आपकी इच्छा अब पूरी नहीं कर सकती हूँ। पापा, मम्मी, आप मुझे अपनी जान से ज्यादा प्यार करते हैं ना, मैं इसे करती हूँ पापा, मुझे माफ कर दीजिए पापा, प्लीज पापा। सहना, पापा, पापा, सहना, सहना, पापा, सहना, सहना, ए, सहना, सहना, क्या हुआ बेटा? बेटी, बेटी क्या हुआ? सहना बेटी क्या हुआ? बोलो बेटी। सहना क्या हुआ बेटा? बेटी, सहना कुछ तो बोलो। सहना, सहना बेटी, आंखें खोलो। सहना, ए, सहना, बेटा, सहना, सहना, नहीं बेटा, सहना बेटा माफ करो, बेटी, सहना, ए ये क्या हो गया? ए जग्गी, जग्गी, जग्गी बेटा, जग्गी, जग्गी, जग्गी देखो बेटा, सहना को क्या हो गया? ए जग्गी देखो ना, जग्गी, जग्गी तुम चुप क्यों? जग्गी तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? जग्गी, ए जग्गी, ए जग्गी, अरे मैं तुमसे कह रहा हूँ, जाओ सहना के पास जाओ, ए जग्गी, ए जग्गी, चलो 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 जाओ जग्गी जाओ। अरे आशीर्वाद दो, ने आशीर्वाद दो, बांधो जल्दी जल्दी बांधो। अरे 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 आप लोग आशीर्वाद दीजिए। अरे देखिए, अरे देखो देखो ये कितने अच्छे लग रहे हैं। अरे आशीर्वाद दो इन्हें। क्या हुआ सहना? जग्गी जी, क्या हुआ? हमारे बच्चे कितने अच्छे लग रहे हैं। तुम दोनों हमेशा खुश रहना, किसी बात की चिंता मत करना। अरे मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं हूं ना। अरे वो जा रहे हैं, उन्हें रोको, उन्हें बुलाओ, अरे कोई उन्हें बुलाओ, जाओ। देखो देखो वो जा रहे हैं। ए जग्गी वापस आओ बेटा। अरे वो मुझे छोड़कर जा रहे हैं। मैं भी आ रहा हूँ बेटा। सहना बेटा मुझे छोड़कर मत जाओ। अच्छा जल्दी आ जाना, मैं इंतजार करूंगा। बाय बेटा, बाय। क्या हो गया जी? Thank you.
यही किस्मत है उस भगवान के लिए, ना तो कोई बड़ा होता है और ना ही कोई छोटा होता है, सबको उसी की राह पर चलना होता है, उन्हीं को कोई नहीं टाल सकता।